कौन नहीं चाहता सुख की अनुभूति करना, और कौन नहीं चाहता कि उसके जीवन में सुख हमेशा के लिए ठहर जाए। तो आज का विषय है सुख आपके जीवन में किस तरह से प्रवेश कर सकता है। तो इस पूरे वीडियो का विषय यही है। श्री गोपाल सेवा समिति यूट्यूब चैनल में आपका बड़ा स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि अपडेट आप तक पहुंच सके। सुख एक ऐसा शब्द है, इसको सुनते ही मन तृप्त हो जाता है। तो सुख खुशी सबको चाहिए, उसके लिए दो काम इंसान को करने चाहिए और उसके बाद आपके जीवन में सुख ही सुख होगा, दुख की कभी एंट्री ही नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख प्राप्त करने के लिए जीवन में दो कार्य करने चाहिए। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, प्रेम प्रभु का बरस रहा है, तो अब आपको उस बरसते हुए प्रेम में अपने आप को नहलाना है। बस यही कार्य आपको करना है और उसके बाद भगवान के जो प्रेम रूपी छाता है उसके नीचे आपको आना ही पड़ेगा। सुख की अनुभूति अगर आपको प्राप्त करनी है तो वो दो कार्य भगवान श्री कृष्ण कौन से बताते हैं तो सुनिए। पहला कार्य, भगवान की भक्ति निस्वार्थ भाव से, उसमें कोई आपकी याचना नहीं होनी चाहिए कि हमें पैसा दे दो, हमारे लड़के की नौकरी लग जाए, या ये हो जाए, फलाना काम ढिकाना काम, ये सब नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से प्रेम, जिस तरह से एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, लेकिन उसमें भी निस्वार्थ भाव नहीं होता, उसके पीछे भी उसकी एक सोच होती है, वो नहीं होनी चाहिए। तो निस्वार्थ भाव से प्रेम प्रभु से करिए, उनकी भक्ति करिए, वंदना करिए, कीर्तन करिए, संगीत सुनिए, संगीत सुनाइए, प्रभु के नाम का आप स्मरण करिए। जब आपको समय मिले सुबह शाम अपने दैनिक नित्य कर्म से, तो प्रभु की निस्वार्थ भाव से भक्ति करनी चाहिए, पहला काम। दूसरा काम, जो आप कर्म कर रहे हैं, पहले तो ये डिसाइड करें कि आपके मन को आपकी आत्मा को कौन सा कार्य करना अच्छा लगता है, वही कर्म करिए और उस काम को उस तरह से करिए कि उस कर्म में आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको करने से मुझे ये लाभ होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। आप निस्वार्थ भाव से जैसे भक्ति करते हैं तो निष्कर्म निष्फल कर्म करिए। निष्फल, आप उसके फल की चिंता मत करिए, आप उस कर्म को मन से करिए, उसमें डूब जाइए। जिस प्रकार कुम्हार बर्तन बनाता है मिट्टी के, तो वो ये सोचता नहीं है कि ये मेरा मटका, ये मेरी कलश, या ये मेरा सुराई 200 500 250 का बिकेगा बनाने के बाद, वो नहीं सोचता। वो सिर्फ उस वक्त उसको बनाने में उसकी रुचि होती है, मन से करता है, और जब वो मन से करता है तो एक अच्छा आकार बन के निकलता है, तो उसके कर्म का फल अपने आप मिल जाता है। तो हमें कर्म उस तरह से करना चाहिए कि उसमें आपको फल की इच्छा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, और निस्वार्थ भाव से प्रेम भगवान से करो, प्रेम की भक्ति करो। फिर देखिए आपके जीवन में सुख नाम का जो शब्द है, सुख नाम का जो प्राणी है, वो कैसे प्रवेश करता है, और जब वो आपके जीवन में प्रवेश करेगा तो वो वापस नहीं जाएगा, वो आपके जीवन में वहीं ठहर जाएगा। आप कर्म करो, मन से कर्म करो और निस्वार्थ भाव, बिना याचना के, बिना मांगे प्रभु से भक्ति करो। कहते हैं कि समय आने पर सारी चीजें आपके पास होती हैं, और होंगी कब, जब श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण चाहेंगे, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना
प्रभु की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये बात सच है। जब वो चाहेंगे, जब आप जिसके लायक हो जाओगे, वो चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन ये दो कर्म आपको करने हैं, इनमें आपको भक्ति में पूरा प्रेम बरसना चाहिए। जैसे भगवान अपने भक्तों पर प्रेम की वर्षा करते हैं, आप भी प्रभु पर प्रेम की वर्षा करिए और अपने कर्म में लीन होकर उसको करिए। उसके बाद ये सारी चीजें आपके जीवन में ऐसी चीजें होंगी जो आप सोच नहीं सकते, और आपको सोचना भी नहीं है। ये सोचने का काम भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, आप तो अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। जैसे कि हम तिलक लगाते हैं सुबह, नहा धो के भगवान का पूजन करते हैं और उसके बाद अपने मस्तक को भगवान के चरणों में छोड़ देते हैं कि अब आप इस मस्तक के मालिक हैं, जो चाहे आप कराओ, इस मस्तक पर पूरा अधिकार प्रभु का है। उसी प्रकार तो भेजिए संदेश सभी तक, फिर आता हूँ नई कहानी नई जानकारी के साथ। तो ये प्रभु का प्रेम बरस रहा है, इस प्रेम में नहाइए, और इस प्रेम में जितना आप डूबोगे उतना ही आपका जीवन निखरता आएगा। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण, हर हर महादेव, हर हर महादेव।